सो हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्कार आदाब। देखिए, आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस पर हम क्विज, या तो आप MCQs बोल सकते हैं, इसको क्विज भी ले सकते हैं, किसी भी, यू नो, इसमें हम जो है एक GK के माध्यम से या एक टेस्ट के माध्यम से, क्विज के माध्यम से जो है जो भी है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसमें जो क्वेश्चन की नंबरिंग है, कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो शुरुआत में 5 या 10 हो सकते हैं, और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को भी बढ़ा सकते हैं, और जो क्वेश्चन का लेवल है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो, और एक एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन इसमें बना दिए गए हैं बस वही काफ़ी है, मे बी कोई और दूसरी वीडियो भी इस पर आ सकती है इसको एक्सटेंड करने के लिए जो चीज़ छूट गई है। तो हमारा जो मकसद है वो है सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट को कवर अप करने की कोशिश है, कि इसमें जो है टॉपिक, जो छोटा छोटा टॉपिक होता है, एक नीश, जैसे कि इकनॉमी है, इकनॉमी में जो छोटा छोटा टर्म होता है, उस छोटे से टर्म्स में से क्वेश्चन कैसे कैसे हम बना सकते हैं, कैसे कैसे एक डेप्थ के साथ जो है उसको जाया जाए, ताकि जो MCQ है, ये क्विज़ है, कहीं से भी आए, आप उसमें परेशान ना हो। और ये क्विज़, ये क्वेश्चन जो है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, चाहे आप कितना भी बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हो, गवर्नमेंट है, छोटा मोटा एग्ज़ाम है, हर जगह पे जो GK है या क्विज़ है वो हर जगह पे पूछा जाता है। तो जी, पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WTO? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि उसका जो फुल फॉर्म क्या हो सकता है। तो इसमें क्या है, वर्ल्ड टैक्स ऑर्गेनाइजेशन था क्या, वर्ल्ड ट्रेडमार्क ऑर्गेनाइजेशन था क्या, वर्ल्ड टैक्स ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड टैरिफ ऑर्गेनाइजेशन? तो जी, आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट होता है। टाइमर इसलिए यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि बेसिकली जब आप एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा वक्त दिया जाता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लें और टाइमर के अकॉर्डिंग आप देख लें, और जब आपको लगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, जो भी कुछ है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो आप अपने आप जो है अज्यूम कर लें उसको, और फिर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 10 में से आपका क्वेश्चन 1 सही हुआ है, 0 है 3 है 4 है, जो भी है। शुरुआत में बहुत कम आएगा, लेकिन धीरे धीरे जो लेवल है वो आपका बिल्कुल बदलता जाएगा, तो अपने लिए बिल्कुल जानबूझ रहें। तो जो टाइमर है वो स्टार्ट होता है। टाइमर खत्म होता है और जो आपका आंसर है वो है वर्ल्ड ट्रेड मार्क ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से चिड़ी, यानी कि किसी भी कोई भी बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका आपको जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब ये क्वेश्चन में होना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से चिड़ी या फिर जो हेडक्वार्टर है मेरे वो कहाँ पे है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, क्या न्यूयॉर्क में है, क्या रोम में है, या जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, या फिनलैंड? तो जो इसका टाइमर हम लगा देते हैं और टाइमर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, उसके बाद आंसर आप दे सकते हैं। सो जी, द आंसर इज जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। तो जो इसका आंसर है वो जेनेवा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? इसमें से कौन से ऐसी चीज़ है कि जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही नहीं है? तो नंबर 1, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट बॉडी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, कि डिस्प्यूट सेटलमेंट, डिस्प्यूट जो हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, उनको सेटल करने वाली बॉडी है क्या? कि ट्रेड पॉलिसी, मतलब ट्रेड में जो पॉलिसीज है, ट्रेड की जो पॉलिसीज है उनको रिव्यू करना इसका काम है क्या? काउंसिल ऑफ ट्रेड, इनको जो ट्रेड्स हो रहा है गुड्स चीज़ों का, उनको काउंसिल करने का काम है क्या, या तो फिर एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट बॉडी है क्या? तो इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे और थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करेंगे, और हम टाइमर लगा देते हैं। तो जी, आपका आंसर जो है वो आता है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट बॉडी जो है ये इससे रिलेटेड नहीं है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। ये डिस्प्यूट अगर हो जाए
कंट्रीज के बीच, तो ये इसको जो है सेटल करने की कोशिश करती है। ट्रेड पॉलिसी मतलब ट्रेड की कौन कौन से पॉलिसी बन रही है, फिर तो उसको रिव्यू करना इसका काम है। ट्रेड जो गुड्स का हो रहा है वो काउंसिल करना, ये सब जो है इससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा? टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, यार एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है क्या ये? बट स्टिल यू हैव टू नो। वाइडन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड टू द सर्विस सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि जो प्रिंसिपल है मतलब फ्री ट्रेड का, कि ट्रेड जो है फ्री होना चाहिए, कि कहाँ पे किस कौन से सर्विस में, सर्विस सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसको वाइडन करना है, इसको जो है काफ़ी बढ़ावा देना है, इसको चौड़ा करना मतलब, या तो फिर क्या बोथ है क्या? एंड डी है इंक्रीज द ट्रेडिंग कैपेसिटी। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ पे से इसमें से सबसे सूटेबल जो है वो चूज करना होता है। तो आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जी, तो आंसर है वाइडन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड टू द सर्विस सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जी, जो क्वेश्चन है वो 4 आपका फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश, क्योंकि देखिए जब हम कोई भी छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए उसका ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था जी, उसका स्विट्जरलैंड मतलब आई मीन उस वो किस चीज़ से रिलेटेड बॉडी है, वो क्या काम करती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका यू नो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सारी चीज़ें उसके बैकग्राउंड की कोशिश करनी चाहिए कि पता हो। जब वो चीज़ें आपको पता होंगी तो MCQ वो क्लियर हो यार, बट उसमें फिर दिक्कत नहीं आनी। तो फिर है कि इन विच ईयर वो ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 जनवरी 1995, या फिर 1937, या तो फिर मार्च 1935, या तो जनवरी 1945। ये भी आपको क्लिक करना ज़रूरी है कि यार देखिए एलिमिनेट हम मार्च वाले को कर सकते हैं कि नहीं, हो सकता है बिकॉज हर उसमें जनवरी है लेकिन हमको ईयर पता होना है। तो ये भी कन्फ्यूजिंग है, आपको कई बार ये लगेगा कि क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं होता है, इसमें काफ़ी तरीके से आगे फिर जाता है। हम इसमें टाइमर लगाते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो जी, आपका जो आंसर है वो आ जाता है 1 जनवरी 1995। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज गेट, GATT, इसकी फुल फॉर्म क्या है एग्जैक्टली? ये है क्या रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? लीगल अग्रीमेंट बिटवीन मैनी कंट्रीज है क्या? पोलिटिकल एंड इकनॉमिक यूनियन है क्या? नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपको पता चलना, क्योंकि फुल फॉर्म भी अगर आपको पता है कि गेट जो है GATT रिलेटेड, इज इट रिलेटेड टू WTO, क्या उससे रिलेटेड है क्या ये? अगर उससे रिलेटेड है तो फिर आप जानेंगे। तो इसका जो है हम टाइमर लगा देते हैं। आपको एक हिंट मिल जाएगा कि गेट जो है WTO से रिलेटेड है, आप इसका आंसर आसानी से देख पाएंगे। सो जो आंसर है वो है लीगल अग्रीमेंट बिटवीन मैनी कंट्रीज। तो इसका जो है मतलब क्या है, ये लीगल अग्रीमेंट होता है बिटवीन मैनी कंट्रीज, एक लीगल इनके पास है कि मतलब उनका अग्रीमेंट होता है मैनी कंट्रीज के साथ। कंट्री कौन कौन सी वो आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा। हु इज द प्रीकर्सर ऑफ WTO, है ना? कौन था? ASEAN था क्या? नाटो था क्या? गेट था क्या? साथ मतलब पहले क्या था और अब क्या बन गया है, कैसे रिप्लेसमेंट हुआ है या कैसे नेम चेंज हुआ है? ना कोई छोटी सी कंपनी होती है फिर वो जाके जो है रिप्लेसमेंट उसका जो होता है, आई मीन जैसे प्रमोशन होता है कि जब छोटे पद पे हो फिर थोड़ा सा आपका जो पद है ये लेकिन नाम आपका जो है चेंज हो जाता है, जैसे SP प्लस DSP एंड सो फोर्थ। इसी तरह से आप ASEAN, नाटो, गेट ये सार्क, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आप पहले आपका टाइमर लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या आंसर होगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं। सो जी, तो आंसर जो इसका आ जाएगा वो है गेट, जो भी आपने पढ़ा था कि ये हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो WTO से रिलेटेड ही कर रहे हैं। तो होप सो कि आपको ये पता हो कि ट्रिक आप थोड़ा लगा पाए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। व्हेन गेट वॉज रिप्लेस बाय 1 जनवरी 1995, ये आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि यार 1 जनवरी 1995 को तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था गेट का, तो फिर ये रिप्लेस कब हुआ है, मतलब रिप्लेस किस किसके थ्रू हुआ है ये गेट? WTO की, IMF, गेट, EU, तो आप ये बताएंगे।
रिप्लेस किसको किया है इसने इतने में, तो देखिए जी इसमें कंफ्यूजिंग है, डब्ल्यू टी भी दे दिया है इसमें और गेट भी दे दिया है, हालांकि बट इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो अभी हम टाइमर लगा देते हैं, तो जी आपका जो आंसर है वो है डब्ल्यू टी ओ, यानी कि गेट ने जो रिप्लेस किया था किसको, डब्ल्यू टी ओ को, यानी कि सॉरी गेट जो रिप्लेस हुआ है, मतलब गेट था पहले उसका नाम, अब रिप्लेस होकर जो है डब्ल्यू टी ओ आया है। ठीक है जी, तो बस क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ समझ जाते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट हायरार्किकल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यू टी ओ, यानी कि डब्ल्यू टी ओ में जो वो सबसे बड़ी हायरार्की जो होती है, हायरार्की जो होती है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे बड़ा किसका है, क्या डायरेक्टर जनरल है, क्या जनरल काउंसिल है, क्या सेक्रेटरीआट डब्ल्यू टी ओ है, क्या मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, क्या तो इसमें क्या हो सकता है। हालांकि आपको डायरेक्टर जनरल लग सकता है बट आप इसको थोड़ा देखेंगे और इसमें हो सकता है आप कन्फ्यूज भी हो, आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। ओके जी, तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, तो जी ये उसका जो आंसर हो जाएगा वो ये है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आप जाइए, TRIP स्टैंड फॉर, TRIP एग्जैक्टली क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या, ट्रेड रिलेटेड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है क्या, दैट इज कन्फ्यूजिंग राइट, टैरिफ रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या, टूरिज्म रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या। सो हम टाइमर इसका लगा देते हैं और देखते हैं कि जी क्या है इसका आंसर। सो जी जो आंसर है वो है ट्रेड रिलेटेड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी। इसमें कन्फ्यूजन आपको ये बी वाला भी कर सकता था कि ट्रेड रिलेटेड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी या तो फिर टैरिफ रिलेटेड इंटरनेशनल, ये भी आपको कन्फ्यूज कर सकता है। तो गाइस आज का जो सेशन था वो समाप्त होता है। सो बाकी जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो क्विज आएगी, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। ठीक है।